हाय फ्रेंड, अभी मेरे पास एक फ़ोन है जो कि सैमसंग B313E, और इस फ़ोन का जो प्रॉब्लम है, इसका पावर ऑन होते ही फिर से ऑफ हो जा रहा है। तो फ्रेंड, मैं यहां पे आपको चेक करके दिखाता हूं। अभी देखिए, पावर ऑफ हो गया। अभी मैं कीपैड प्रेस करता हूं तो फिर भी ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। अभी बैटरी को इसको रिमूव करके फिर से लगाने से ये जो फ़ोन है ये ऑन हो के फिर ऑफ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम इसमें आ रहा है। तो फ्रेंड, ये जो प्रॉब्लम है ये एक्चुअली फ्लैशिंग का, यानी कि सॉफ्टवेयर का। तो इसका सलूशन के लिए आपको सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, मैं पीसी स्क्रीन में लेके जाके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, फाइल है और ये स्पेक्ट्रम का फ्लैश टूल है। ओके, तो फ्रेंड मैं फटाफट से इसको सिलेक्ट करके फिर फ्लैशिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, अभी टूल ओपन हो गया। इसका जो पैच फाइल है इसको अभी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। फिर आपका USB केबल को इनपुट करके फिर ओके की को आपको प्रेस करना है, तो ये जो आपका सॉफ्टवेयर का प्रोसेसिंग है वो चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोसेसिंग चालू हो गया। तो फ्रेंड, अभी वीडियो को मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ ताकि ये जल्दी से कंप्लीट हो जाए और मैं आपको पूरा इसका जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन मैं आपको दिखा पाऊँ। ठीक है फ्रेंड, तो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड, अभी आप देख सकते हो कि इसका जो फ्लैशिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, अभी इसका जो डाटा केबल है उसको रिमूव करके फिर बैटरी लगा के चेक करके देखते हैं कि इसका जो प्रॉब्लम था ऑटो ऑफ प्रॉब्लम, वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अभी बैटरी को इनपुट करते हैं और इसको ऑन करते हैं। तो फ्रेंड, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो फ़ोन है ये ऑन हो गया, लेकिन इसका जो प्रॉब्लम था ऑटो ऑफ प्रॉब्लम वो सॉल्व हो गया। अभी देखिए, ये जो फ़ोन है ये कम्प्लीटली यहाँ पे ऑन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो आपके पास अगर कोई भी ऑटो ऑफ प्रॉब्लम आए तो आप सीधा उसको जो है फ्लैशिंग करिए, तो ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को इजी सॉल्व कर सकते हो।